देखिए आज की क्लास में हम लोग वर्ड फॉर्मेशन, ये रीजनिंग की क्लास है और इसमें सारे टाइप, टोटल टाइप 5 टाइप है, जो पांचों टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल टाइप 5 है और पांचों टाइप को मैं सिखा दूंगा आप आसानी से। इसका जब प्रैक्टिस सेट में सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में भेज दूंगा टेलीग्राम में, वहां से सभी टाइप को अच्छे से पढ़ लेना। देखो पहला प्रकार वन, यानी कि जो टाइप है उसको प्रकार वन बोला जाता है, ठीक है। तो प्रकार वन में क्वेश्चन किस तरह की बात किया गया है, मैं क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया हूं, देख सकते हो। कहता है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है एग्जामिनेशन, तो इस बात को समझो कि कह क्या रहा है। EXAMINATION यही बोला गया है। तो इसमें से कौन सा, सिंपल सा बात बोला है, कौन सा मतलब अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो आपको जो ऑप्शन देगा ना, वो चार ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ध्यान से समझो, ऑप्शन पे ध्यान देना क्या क्या लिखा है। देखो एनिमेशन लिखा है पहला ऑप्शन, ANIMATION, ठीक। फिर बी नंबर है एग्जामिनर, EXAMINER, और नंबर सी में आपको दिया गया है एनिमल, ANIMAL, और नंबर डी में दिया गया नेशनल, NATIONAL। सभी लोग कॉपी में इसको लिखो, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से अगर सीख जाओगे इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा शब्द इससे बनाया जा सकता है। जब हम चेक करेंगे ना, जैसे कि देखो ANIMATION, तो ध्यान से देखो, ए है एन, ए एन, आई है एम है, और फिर आपका ए है। देखो ए के आया है तो दूसरा यहां से उठाया गया है, ऐसा ना कि एक ही ए को दो बार लिखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है, तो ए नंबर मेरा बन गया, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर एक बार बी चेक कीजिए ना, तो देखो EXAMIN यहां तक तो मिल गया, EXAMIN यहां तक मिल गया। ई आर और आर खोज के दिखाओ तुमको, इसमें आर अगर मिलेगा तो ये नहीं, कहीं देखो ई आर है ही नहीं, जिस कारण से ये मेरा गलत हो गया। यहीं से खोज कर निकालना पड़ेगा कौन सा वर्ड इससे बनाया जा सकता है, यही क्वेश्चन कहता है। अगर हम एनिमल की बात करते हैं, ध्यान से देखो ए भी है, हाँ, एन ए एन, आई एम, फिर ये ए, और एल तो कहीं है ही नहीं, एल नहीं है, इसलिए हम जिस तरह यहाँ ई आर नहीं था, एल नहीं था, नहीं बना सकते। फिर देखो यहाँ पर एल की चर्चा है, जिस कारण से नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें एल का कहीं चर्चा है ही नहीं, इस वर्ड में एल नहीं है, इसलिए ये सब नहीं बना सकते, इसलिए ये बन जाएगा। तो ये था आपका फिर से बताएंगे, प्रकार वन था, आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया था कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ये अक्षर यानी कि ये वर्ड दिया गया है, ये आपको एग्जामिनेशन दिया गया है, और इसी का प्रयोग करके ये शब्द कौन सा बनाया जा सकता है, क्या बोल रहे हैं, बनाया जा सकता है। दोनों टाइप क्वेश्चन रहेगा भाई, एक बार बोलेगा बनाया जा सकता है और एक बार बोलेगा नहीं बनाया जा सकता। तो आपको यहां से चेक करना है कौन सा वर्ड इसमें बनाया जा सकता है। जैसे ANIMATION यहां है एनिमेशन लिखा हुआ ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है दिया हुआ है एग्जामिनेशन में, उसमें एनिमेशन खोजना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो ए मिल गया, बोले हाँ ए मिल गया, यहां से ए है, एन मिल गया, बोले हाँ है, आई मिला, देखो यहां से आई मिला, मिल गया, एम है, बोले हाँ है, ए भी है, देखो यहां का ए लिए गए तो ए के यहां से आएगा, बिल्कुल है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है, तो सारा का सारा चीज यहां से उठ के आ गया है, जिस कारण से मेरा आंसर ये हो जाएगा। अब कहोगे कि सर ये वाला देख लो, ई आर कहीं है, खोज के दिखाओ तो इसमें नहीं है, तो ये गलत है, ये नहीं बनेगा, बनाया जा सकता, तो एनिमेशन मेरा बनाया जा सकता, इसमें एल एल आ गया जिसके कारण इससे नहीं बनाया जा सकता, इसमें
इसमें भी एल है, इससे नहीं बनाया जा सकता, यही क्वेश्चन है। अभी और है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहे, देखो बना के देखो इसको बनाओ कैसे बनाओगे। बहुत आसान होता है ये चैप्टर, लेकिन बात है कि जब तक पढ़ोगे नहीं तो तब तक आपको दिक्कत करेगा। टाइप टू का क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को बनाओ, कहता है दिए गए वैकल्पिक में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखो नहीं बनाया जा सकता, लिखा गया है कारपेंटर, कैसे बनाओगे समझना। ये था आपका अब टाइप टू का क्वेश्चन। देखो आज हम देखो सिर्फ आपको सिखा रहे हैं कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको प्रैक्टिस सेट भेजेंगे, उस प्रैक्टिस सेट से आपको सॉल्व करना है दिन भर में बैठ बैठ के। अगर 40 सवाल भेजे हैं तो बोलो 55 मिनट बैठोगे, बीच बीच में तो आपका आसानी से हो जाएगा। एक ही बार बैठोगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करके उठ जाओ। देखो प्रकार टू में बोला गया है कि यानी कि टाइप टू में बोला गया है दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो इसमें बोल रहा है अनिल सिंह का कमेंट आया है बी, ठीक है। तो देखो नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, ये बात को आपको ना याद रखना है, समझना है। साइलेंट रखो, कारपेंटर लिखा हुआ है सी ए आर PENTER, ठीक है। और ऑप्शन पे ध्यान दोगे अगर तो चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है रिपेंट, REPENT, आप लोग कॉपी में लिखो जल्दी से। पेंटर PAINTER, उसके बाद दिया गया है कारपेट CARPET, और उसके बाद नंबर डी में दिया है NECTAR, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे अब समझना। बहुत आसान क्वेश्चन है, कहता है कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब ध्यान से समझो, नहीं बनाया जा सकता की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा देख लो बोर्ड में क्वेश्चन। देखो अब कारपेंटर से कौन सा नहीं बना सकते, देखो ध्यान से, इसमें एक ऐसा होगा जो नहीं बना सकते हैं, बाकी सब बना सकते हैं। तो देखो सर रिपेंट में देखो तो आर है, बोले हाँ है, ई भी है, पी है, पी है, ई है, एक ई आया तो एक और यहाँ ई है, एन है, एन भी है, टी भी है। तो ये आपको खोजना, ये तो बनाया जा सकता, हमको खोजना नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें आ जाओ, पेंटर देखो ध्यान से, पी भी है, बोले हाँ है, ए है, बोले हाँ है, आई है, आई ही नहीं है। अरे भैया आई कहाँ है इसमें, कारपेंटर में आई नहीं है, जिस कारण से यही मेरा आंसर होगा जो ये नहीं बनाया जा सकता। अब कहोगे सर कारपेट देखिए तो चेक कीजिए तो बनता है क्या, बोलेंगे हाँ बनता है, देखो सी है, ए भी है, आर भी है, यहाँ तक कार मिल गया हमको, बोले हाँ। अब पेट देख लो, पी ई है, यहाँ टी है, पेट हो गया कारपेट। अब देखो एन सी ई टी आर देखो तो एन है, एन है, बोले हाँ है, सी है, बोले सी देखो है, हाँ है, ई देखो है, ई भी है, है, टी है, टी भी है, ए भी है, ए भी है, आर देख लो है, मिल गया। तो ये हो गया, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, आई नहीं है, आई नहीं है, कहाँ नहीं है, कारपेंटर में आई नहीं है, यही तो बोला गया है, आसान चीज है। तो ये चीज है, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये चीज। अब चलिए अब इसी तरह का और क्वेश्चन लाए हैं जो कि टाइप थर्ड का, देखते हैं कि क्या कहता है टाइप थर्ड का क्वेश्चन। देखो देखिए प्रकार थर्ड यानी कि प्रकार तीन में क्वेश्चन कहा गया है कि नीचे दिए गए विभिन्न अक्षरों को की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए। देखो यहाँ पर लिखा गया है अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, अर्थपूर्ण, और वो आपको रास्ता भी देगा। रास्ते का मतलब देखो उसका ऑप्शन जो है ना, वो रास्ता दिया है कैसे निकालना है। तो जी टी ए दे दिया है, जी टी ए, उसके बाद दे दिया है ई एन एम, ENM ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको नंबर ए में दिया गया है 13, 26, 45, अब ये लिखा है 13, 26, 45, आप लोग कमेंट कर रहे हो हम देख पा रहे हैं सही है, और जिसका देखो जो लोग नहीं बना रहे हो बैठ के गलत कर रहे हो, बना के कमेंट करो उसमें, ठीक है। अब कम कमेंट देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि चलो मेहनत कर रहे हो बैठ के, पेपर पेन लेके बैठे हो, और हमको पता है कोई बच्चा सोया होगा अभी, कोई बच्चा उधर कहीं पे
रह के किसी तरह देख रहा होगा तो वो फायदा नहीं करेगा आपको। एक तीन दो पांच चार छ, एक तीन दो पांच चार छ ऑप्शन हम लिख रहे हैं बोर्ड में, जस्ट अभी क्वेश्चन हटा रहे हैं आप लोग के स्क्रीन से, और लिखा है छ तीन एक पांच चार दो, छ तीन एक पांच चार दो। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको बोला गया है कि अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा, आपको ना अगर एक ही नजर में लग जाए कि सर इससे क्या बनेगा तो बहुत अच्छा। एक ही नजर का मतलब जैसे कोई बोला सर मैग्नेट बनेगा, ठीक है, इसका मतलब एम से शुरू होगा, बोले हाँ, और क्या नंबर लिखा हुआ है उसमें, इसमें नंबर लिखा था एक दो तीन चार पांच छ ऐसे लिख दिया है, सारे में नंबर लिखा है। तो अब देखो छ से स्टार्ट हो रहा है, आपको जैसे बोले कि सर मैग्नेट बनेगा तो आप बोले क्या सर छ नंबर में देखिए एम आएगा, बोले हाँ, उसके बाद तीन नंबर ले लो तो तीन नंबर ए आ जाएगा, बोले हाँ तीन भी ए आया, फिर पांच नंबर ले लो एन आया, हाँ एम ए एन हो गया, फिर एक नंबर जी हो गया, और चार नंबर ले लो चार ए हो गया, फिर आवाज हो रहा है, आवाज को ऑफ कर दो भाई जिसका आवाज, देखो म्यूट करो, म्यूट म्यूट कर दिए। हाँ देखिए आपने ये लिखा मैं एम एन मैंगेट हो गया, मैंगेट हो गया, ये आपका गलत हो गया। इस तरह से ना आप यहां से लिखोगे, जैसे कि अगर हम इस छ नंबर में जाते हैं, देखो ध्यान से एम लिखते, बोले हाँ एम लिखो यहाँ छ नंबर में, तीन का ए लिखो एम ए, एन लिख दो एक नंबर लिखो एम ए टी लिख दो, सॉरी जी लिख दो एम ए जी, मैग हो गया, और उसके बाद पांच नंबर का खोज के यहां से लिखो, पांच नंबर का एन हो जाएगा एम ए जी एन, और चार नंबर में क्या दिया है, चार नंबर में ई दिया है और दो नंबर टी दिया, तो मैग्नेट हुआ, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये तो आप लोग निकाल लिए एक ही बार में, अगर देख कर हो जाए तो आप तुरंत निकाल सकते हो कि मैग्नेट बनेगा और मैग्नेट का छ नंबर में जहाँ जहाँ। लेकिन अगर मान लिया जाए हम गए एग्जाम में और हमको कुछ समझ में ना आया, ऐसा वर्ड दे दिया है जो कि हमारे दिमाग से बाहर है, तो उस तरह के क्वेश्चन में बनाने के लिए आपको ये करना है, ये सोचना है कि पहले आपको ना हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। जैसे ए नंबर एक नंबर में क्या है जी है तो यहाँ पे जी लिखोगे, फिर तीन नंबर में क्या है, तीन नंबर में है आपका ए तो ए लिखोगे, फिर दो नंबर में क्या है तो टी है टी लिखोगे, फिर छह नंबर में क्या है एम है एम लिखोगे, फिर चार नंबर में क्या है ई ई है तो ई लिखोगे, और पाँच नंबर में एन है। तो देखो गेट मेन जी ए टी ई होता है, गेट एम ए एन होता है, ठीक है, ये गेट मैन नहीं शब्द बन सकता है, लगेगा कि बन रहा है लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सर ही मिसिंग है इसमें। हाँ गेट मैन ये होता है, हाँ वही तो लिख दिए, देखो ना हम यहाँ लिखे ये होता है जी ए टी, तो ये आपका नहीं बनेगा, जानते हो बहुत सारा बच्चा तो यही मार के आ जाएगा, सोचेगा कि यही आंसर होगा, लेकिन नहीं होगा, ये आपका खत्म, ये खत्म। उसके बाद इस पे आ जाओ, जब इस पे आओगे नंबर बी में छ तीन पांच एक चार अपने से बैठाओगे, जब बैठाए ये सब इसके जगह पे ना, तो आपको शब्द बोल कर देखना है कि सही बन रहा था क्या नहीं बन रहा था, ये खत्म हो गया, फिर इसमें बैठा को देखोगे तो अपने आपको समझ में आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिया जाएगा होमवर्क में, बना के देखना। ये था टाइप थर्ड, अब हम आपको टाइप फोर का क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे बनाओगे। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब हम होमवर्क देंगे तो आप आसानी से बना पाओगे, सीख जाओगे, टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान होता है सब क्वेश्चन, बस सिखाना पड़ता है एक बार। देखो टाइप फोर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यदि एस्टेब्लिशमेंट के पहले चौथे आठवें दसवें एवं तेरहवां अक्षर को मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसका अंतिम अक्षर आपका उत्तर होगा, यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो आपका पी यानी कि उत्तर पी दें, और यदि एक से भी ऐसा शब्द नहीं बनता है तो उत्तर एक्स दें, यही बोला गया है। अब देखो एस्टेब्लिशमेंट लिखा है, यही लिखा गया है, इस एस्टेब्लिशमेंट में क्या बोला है ध्यान से समझना, बोला है क्या पहले चौथे आठवें दसवें तेरहवें, पहले दूसरा तीसरा चौथा, पहला चौथा उसके बाद आठवां दसवां तेरहवां, आठवां
दसवां, तेरहवां, आप समझो। क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है, एस्टेब्लिशमेंट में पहला, चौथा, आठवां, दसवां, तेरहवां, ये हम बैठा दिए आपको समझने के लिए। अब इसमें जो क्वेश्चन बोला गया था कि अगर इससे एक शब्द बन जाता है, ये सभी लेटर से, यानी कि ई से, ए से, एस से, एम से और टी से, इसको आप ना इधर उधर करके एक शब्द बना लेते हो, ठीक है, तो आपका क्या बोला था वो अंतिम उत्तर, यानी कि आपको देना है टाइप फोर में, क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर शब्द बन जाता है तो आपको आपका अंतिम अक्षर आपका उत्तर होगा, और यदि एक से अधिक शब्द बनता है तो उत्तर पी दें, और यदि एक भी शब्द नहीं बनता है तो एक्स दें। देखो अगर एक भी नहीं बनेगा, एक भी नहीं, तो आपको क्या बोलना है, देना उत्तर एक्स देना, ठीक है। अगर एक शब्द बनेगा, एक शब्द बनेगा, तो आपको अंतिम अंतिम अक्षर आपका होगा उत्तर, ये बोला गया है। और अगर दो बोला है कि दो शब्द अगर बनेगा, तो दो शब्द में क्या बोला था, पी देने के लिए, ठीक है। एक से अधिक बने तो उत्तर पी दे, एक से अधिक बने, एक से अधिक बना, दो ही हो गया, एक से अधिक में पी पी बोला है, तो बस ये इतना सा बात बोला है। आप इसको अब करके देखो क्या बना सकते हो, तो देखो ध्यान से, अगर हम इससे बनाते हैं, आप लोग जैसे कि साथी, मेट्स होता है, देखो एम ए टी ई एस, मेट्स बना के नहीं, एम ए टी ई एस, एम यहां से ले लिए, ए ले लिए, टी आ ई एस, मेट्स, हाँ वाह, ठीक है, स्टीम भी बन रहा है, एस टी ई ए एम, तो दो बना ना, तो दो से, यानी कि एक से अधिक बने तो इसका उत्तर पी देंगे, ऑप्शन आपको दिया हुआ था एक्स पी टी ई एम, एक्स पी टी ई एम, तो यहाँ पर दो शब्द बना इसी से, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक से अधिक के लिए पी, तो पी आंसर देंगे। तो ये था, इसमें देखो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, हाँ सारे वर्ड से, यानी कि वो बोला था पहला, चौथा, आठवां, दसवां और तेरहवां शब्द से, अगर एक भी शब्द नहीं बनेगा तो उत्तर एक्स देना, हाँ उसमें से जो जो बोला था निकाल लिए, और इसको इधर उधर करो, इधर उधर करके बनाओ, कितना बना, नहीं नहीं सारे सारे लेके, टोटल लेके बनाना है, ये नहीं कि तब तो बहुत सारा ईट बन जाएगा, ई ए टी ईट, मैंने खाना, वो नहीं कर सकते, सबको लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि वो बोला है ऊपर में ही, पहले, चौथे, आठवें, दसवें, तेरहवें शब्द से बनाइए सब, ठीक है, तो ये सब सबका यूज करना है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला टाइप चलते हैं, टाइप फाइव में, देखिए क्वेश्चन फाइव, टाइप फाइव देखो क्या कहता है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं, ध्यान से समझना। टाइप फाइव का क्वेश्चन कहता है कि अक्षरों आर ए सी एस से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करना, याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना, कहता है करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। आर है, ए है, सी है, एस है, ठीक है। अब इससे अंग्रेजी का अर्थपूर्ण शब्द कितना बन सकता है वो बताना, एक दो तीन चार, जो जो ऑप्शन दिया था ये कोई नहीं, एक दो तीन चार इस तरह से दिया गया, ठीक है, तो देखो ध्यान से, हाँ ये लिखा है आर ए सी एस, ठीक है, लो क्वेश्चन स्क्रीन पे लो पहले, देखो कहता है कि अक्षरों आर ए सी एस के प्रत्येक शब्द से प्रत्येक अक्षर का प्रयोग अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षरों के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, कोई नहीं, एक दो तीन, तीन से अधिक, यही क्वेश्चन है, कितना बना सकते हो, क्या आंसर होगा इसका, सोचो। देखो अब समझना क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बोला गया है, देखो एक मीना का आ रहा है आंसर, एक पहला कमेंट आ रहा है, ठीक है, गलत, एक नहीं होगा, ठीक है, एक हो ही नहीं सकता। देखो सबसे पहले
आप एक बनाओगे तो ए आर सी एस, आर्क बना, इसका मतलब चाप होता है ना, आर्क होता है कि नहीं, बोले हाँ सर होता है। फिर देखो सी ए आर एस, कार्स मतलब कारें, कारें मतलब गाड़ियां, बहुत सारे कारें रखा हुआ है तो ये प्लुरल में है कार्स, ठीक है। और एक बनेगा स्कार, एस सी ए आर, ठीक है, एस सी ए आर, और स्कार का मतलब होता है चोट का निशान, चोट का निशान, ठीक है। तब ये कहोगे सर इस तरह इतना कैसे कर पाएंगे सर, स्कार का तुमको पता ही नहीं था, भैया वर्ड मीनिंग याद रखना पड़ेगा और नहीं तब दिक्कत है आपको, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक थोड़ा होता है, ट्रिक जो समझने का चीज़ है वो हम समझा रहे हैं, लेकिन आपका माइंड कितना डेवलप है इंग्लिश के पीछे, कितना आप याद रखे हो इस तरह की बातों को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ उससे मतलब भी नहीं है, प्रैक्टिस से मतलब है। प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि आप इतने अच्छे से पढ़ लो ना कि आपका एग्जाम में बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस से मतलब कि क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह रहेगा और हम बहुत सारा क्वेश्चन देंगे आपको इस तरह का। तो ये तीन बनेगा, इसका आंसर तीन दे दो, तीन आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर तीन है। हमको उम्मीद है आप लोग आसानी से इसको समझ पाए होंगे। एक बार आप लोग अपना बोल कर कॉमेंट कीजिए सभी लोग समझ में आया किसी को या नहीं आया, बोल दो। yes, सबको आ गया? yeah. आ गया सर। चलिए तब एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं ऐसे, मतलब कि एक बोर्ड में। तो ये टाइप यानी कि ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन देंगे, जैसे कि हम पहले 7 क्वेश्चन आपको देंगे, फिर 20 क्वेश्चन देंगे। 7 क्वेश्चन में बनाया जा सकता वाला रहेगा और उधर 20 क्वेश्चन देंगे नहीं बनाया जा सकता, हर तरह का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके हमसे पूछोगे, उसके बाद देखो इसका हम एक्सप्लेनेशन भी साथ में भेज देते हैं, उत्तर भी भेज देते हैं, ताकि आप घर बैठे ही तैयारी कर सको। आपको ऐसा नहीं है कि यानी कि क्लास में ज़्यादा पूछने की जरूरत ना पड़े, जो पढ़ने वाला है जो वो जरूर पढ़ेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है आपको करना कि ऐसा विकल्प जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। देखो बनाया जा सकता वाला एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाया जा सकता, ठीक, नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। कौन सा दिया? न्यूज पेपर, एन ई डब्ल्यू एस पी ए पी ई आर, न्यूज पेपर, ठीक है। अब इस न्यूज पेपर की बात करते हैं तो इसमें लिखा है स्वीट, एस डब्ल्यू डबल ई टी, स्वीट। उसके बाद दिया गया है रिपीट, आर ई आर ई पी ई ए टी। उसके बाद दिया गया है आपको शोर, एस ओ यू आर, और उसके बाद दिया गया है डब्ल्यू ए एस पी, और ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है, ये डी नंबर है। इसमें से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कौन सा बनाया जा सकता, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करो सर, फोर नंबर है। बिल्कुल सही आंसर है सर, डब्ल्यू भी है, डब्ल्यू है, ए भी है, ए भी है, एस भी है, एस भी है, पी भी है, पी भी है, ये है। लेकिन इस शोर में ध्यान से देखो, एस आपको मिला, ओ आपको कहीं भी नहीं दिया गया, ओ नहीं दिया गया है, यू भी कहीं नहीं दिया गया है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि न्यूज पेपर में ओ यू नहीं है, जिस कारण से ये तो नहीं बना सकते। अगर इसकी बात करें आर ई पी ए टी, तो ध्यान से देखो, आर आपको दिया गया है, ई आपको दिया गया है, पी आपको दिया गया है, ई आपको दिया गया है, ई यहाँ से ले लो, और ए देखो ध्यान से दिया है, लेकिन टी देखो कहीं नहीं है। ये टी क्यों नहीं है? इसमें टी रहता ना तो ये भी बनाया जा सकता, और इसमें भी टी दे दिया, जिस कारण से ये दोनों नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारा रहेगा, आप लोग बनाओगे, होमवर्क को तैयार करके रखोगे, जो भी दिक्कत होगा हमसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूछो, आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे से, जो भी दिक्कत होगा वो आपका पूरी तरह से सॉल्व किया जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। और भी तरह तरह के क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, नहीं बना सकता भी रहेगा, बनाया सकता रहेगा। लेकिन ये ना एसएससी रेलवे दोनों पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से रखना। और कोई भी एग्जाम आप देंगे, कोई भी उधर जनरल एग्जाम, उसमें तो आते रहता है सब। चलिए और हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस तरह की बातों को लेकर सामने आते हैं।